हे गाइस वेलकम बैक। अभी 7:30 बज रहे हैं, मैं काम पे जा रही हूँ। आज मेरा रजिस्ट्रेशन डे है फॉर द लास्ट सेमेस्टर, जो कि 5th सेमेस्टर। फाइनली मेरी एमबीए कंप्लीट होने वाली है। आज आई थॉट कि मैं आपको दिखा देती हूँ जो न्यू कमर्स हैं एंड जो अभी प्लान करें कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कितने बजे स्लॉट्स खुलते हैं, जो भी होता है मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून। मेरा रजिस्ट्रेशन 10:30 बजे ओपन हो रहा है, जो कि बहुत लेट है। सुबह 6 बजे से रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं। UCW तुम सबको ना एक टाइम स्लॉट देगा कि इस टाइम स्लॉट में तुम्हें रजिस्टर कर सकते हो, विच इज़ क्वाइट अनफेयर कि सबको मौका नहीं मिल पाता है। मेरे फर्स्ट से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक इन्होंने मुझे लास्ट का टाइम दिया है, जब तक सारे प्रोफेसर चले जाते हैं। तो मुझे 4th सेमेस्टर में इसकी ट्रिक पता चली है, तो वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आप अपने मनपसंद वाले अच्छे वाले प्रोफेसर आप ले सकते हो। तो स्टे ट्यून। एंड वर्स्ट पार्ट इज़ कि मैं अभी काम पे हूँ, तो काम पे के बीच में रजिस्ट्रेशन है, तो मुझे ब्रेक लेके एंड रजिस्टर करना पड़ेगा। तो लेट्स सी क्या होने वाला है, मैं अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ गाइस। तो 8:30 होने वाले हैं, जस्ट 2 मिनट रहते हैं एंड पोर्टल मेरा खुलने वाला है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको, अभी मैं अपने वर्किंग क्लोथ्स में, तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर पे। तो तुम लोगों को ये ऐसे यहाँ पे टाइम दिखाएगा, जो तुम्हारा होम पेज होता है यहाँ पे टाइम दिखाएगा कि कौन सी डेट को एंड कितने बजे है। तो मेरा जैसे 10:30 है, तो यहाँ पे मेरा ओपन होने वाला है। तो मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है, तो अभी ये ओपन नहीं हुए हैं, तो ये 10:30 को ये ओपन होंगे। अब ये देखो, लास्ट सेमेस्टर में मुझे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लेना है, तो मैं यहाँ पर करूँगी और यहाँ पर मैं स्केड्यूल देख सकती हूँ कि कौन कौन से, और यहाँ पे कोई भी सेक्शन अवेलेबल नहीं है और सारा वेटिंग लिस्ट में है। तो जैसे यहाँ अब वेटिंग लिस्ट कहाँ दिखेगी, जैसे ये है, ये वेट लिस्ट है सारी की सारी। तो आई डोंट नो अब मैं क्या करने वाली हूँ, तो मैं अभी किसी भी वेट लिस्ट में जुड़ जाऊँगी। तो ये मैंने ये लिया है एंड कोर्स की फ़ी और ये सब है, हाइब्रिड है एंड मैंने ब्रेंट रेमजी चूज़ करा है। अभी वेट लिस्ट में हूँ मैं, 54 वेट लिस्ट पे। बट अभी के लिए मेरे को कोई भी कोर्स लेना है, तो मैं ये मैंडेटरी कोर्स है, तो मैंने यहाँ पे एनरोल कर दिया। अब नेक्स्ट मैं ई कॉमर्स इलेक्टिव ले रही हूँ, तो अगेन ये भी वेट लिस्ट में है और मुझे ये वाला प्रोफेसर चाहिए, इवान। तो अभी इसकी भी वेट लिस्ट में मैं जा रही हूँ। हाँ, कुछ भी नहीं मिल पा रहा। अब लास्ट जो ये एग्ज़िट कोर्स मैं कर रही हूँ वो है स्मॉल बिजनेस, एंड स्मॉल बिजनेस में भी कोई सेक्शन अवेलेबल नहीं है, ऊपर से वेट लिस्ट भी है। तो लेट्स सी मैं क्या लेती हूँ। तो गाइज़, क्योंकि मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ और मैं बस 3 कोर्सेज चूज़ कर सकती हूँ, तो ये 3 कोर्सेज मैंने लिए हैं और ये मेरा स्केड्यूल बन रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी क्लासेस इस बार शाम को हो, तो मैं सारी क्लासेस शाम को ले रही हूँ। बट मेरे को कोई भी क्लास नहीं मिल पाई अभी, क्योंकि मेरा एनरोलमेंट 10 बजे था। तो अभी मैं 10 वेट लिस्ट पे हूँ, 89 वेट लिस्ट पे हूँ, 96 वेट लिस्ट पे हूँ, कुछ प्रोफेसर तो 100 समथिंग वेट लिस्ट पे हैं। बट मुझे टेंशन नहीं है एंड आप लोग भी इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि व्हाट इफ अगर आपको प्रोफेसर नहीं मिले। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। तो ये वीडियो मैं एग्जैक्ट 1 महीने में शूट कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरा जो लास्ट सेमेस्टर है वो शुरू हो चुका है। और इससे पहले मैं आपको अपने फाइनल चीज़ दिखा देती हूँ कि भाई मेरे को जो प्रोफेसर चाहिए थे वो मुझे मिल गए। तो वापस चलो मेरे कंप्यूटर की तरफ और देखो। तो गाइज, ये मेरा फाइनल शेड्यूल है। स्मॉल बिजनेस के लिए मेरे को नाज़ी यासदी चाहिए था, वो मुझे मिल गया है, वो भी शाम की क्लास। डिज़ाइन थिंकिंग के लिए मुझे शाम की क्लास अगेन मिल गई है विद बहनाज गुलामी। एंड स्ट्रैटेजिक के लिए मुझे चाहिए ही शेरी कैम्बल थी, तो वो भी मुझे मिल गई। बट इसका स्लॉट मुझे संडे फ्राइडे मिला है, तो मुझे जो चाहिए थे प्रोफेसर्स वो मुझे मिल गए। अगेन आप देख लो, मैं इनरोल हो चुकी हूँ। तो अब हो गया तुम्हें भरोसा कि मैं सच कह रही हूँ कि यहाँ पे ट्रिक्स होती है सही प्रोफेसर्स लेने की। तो अब मैं आपके साथ वो ट्रिक्स शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ फ्रॉम UCW। तो भाई, सबसे पहली ट्रिक जो UCW आपको नहीं बताएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, स्पेशली जो नए बच्चे आ रहे हैं UCW में, कि ये लोग हर फ्राइडे वापस से ओपन करते हैं स्लॉट्स प्रोफेसर्स के लिए। आप लोगों को क्या करना है, हर फ्राइडे या तो 12 बजे के अराउंड या तो शाम को 5-4 बजे से ट्राई करना शुरू कर देना। कभी भी
ये ओपन कर देंगे स्लॉट्स एंड वो खुलते ही चले जाते हैं। मैंने क्या है, मैं बार बार हर घंटे रिफ्रेश करके देखती थी कि जैसी वो खुले एंड मैं उसे ग्रैब कर लूँ। हर फ्राइडे को, अगेन हर फ्राइडे को ये ओपन करते हैं अलग अलग स्लॉट्स अलग अलग कोर्सेज के लिए। आपने देखा ही कि मेरे को कुछ भी नहीं मिल पाया, कुछ भी नहीं मिल पाया ऑनेस्टली। एंड अब मेरे को वो प्रोफेसर्स मिल गए जो मुझे चाहिए थे एंड वो कोर्स मिल गए जो मुझे चाहिए थे। एंड ये प्रोफेसर्स मतलब टॉप प्रोफेसर्स हैं जो मेरे को लोगों ने रेकमेंड करे थे एंड मार्क्स भी अच्छे देते हैं, असाइनमेंट्स भी कम मतलब ओकेश हैं। बट हाँ, और मैंने इनकी फर्स्ट क्लास भी ले लिया तो दे आर प्रिटी गुड। एक चीज़ मेरे को इस पर ऐड करनी है कि ऐसा नहीं है कि हर फ्राइडे वो उस प्रोफेसर का स्लॉट है ओपन करेंगे, बट होता क्या है कि जैसे एक प्रोफेसर जो मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए है वो हुआ था एकदम लास्ट वीक में, जो एकदम लास्ट वाला वीक था कि रजिस्ट्रेशन बस बंद ही होने वाले थे, तब ओपन करा एंड मैंने ग्रैब कर लिया। तो एंड तक तुम्हें देखते रहना, जस्ट रजिस्ट्रेशन का जब लास्ट डे भी हो तब भी अगर तुम्हें नहीं मिला, स्टिल एक दिन का स्कोप होता है, तो तब तक चेक करना है। सेकेंड जो मुझे स्मॉल बिजनेस का प्रोफेसर मिला है वो मुझे थर्ड वीक में मिला था, सेकेंड या थर्ड वीक में मिला था, जिसने जैसे इन्होंने जिस दिन रजिस्ट्रेशन ओपन करा वो फ्राइडे को ओपन करा था, नेक्स्ट फ्राइडे या उससे नेक्स्ट फ्राइडे मेरे को वो मिल गया था। तो बार बार ओपन करते हैं ये और कभी भी कर देंगे, तो इन फ्राइडेज में से एक फ्राइडे तो मान के चलो कि आपके स्कोप बहुत बढ़ सकता है, कि आपको जो आपके फेवरेट प्रोफेसर हैं और जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, ये वर्क करता है, मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं फिफ्थ सेमेस्टर में आ गई, मैं ऐवी तो नहीं आई हूँ ना फिफ्थ सेमेस्टर में, तो मेरे को ये थोड़ा सा लेट पता चला था। मुझे थर्ड सेमेस्टर में पता चला था कि हर फ्राइडे ओपन होते रहते हैं, अदरवाइज मैं भी ना कुछ भी प्रोफेसर मिल के और उनमें सेटिस्फाइड होकर बैठ जाती थी, बट ऐसा नहीं है। तो गाइज इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इतना मत डरो कि आपको ली नहीं पाएंगे या जो भी है। एंड सबसे बड़ी बात भाई, खुलते ही आपको ग्रैब करने पड़ेंगे। अगर आपने ग्रैब उस टाइम पे नहीं किया कि सोचने में लग गए कि कौन सा स्लॉट चाहिए, टाइमिंग वगैरह आप बाद में देखते रहना कि अपना जो भी आपको टाइमिंग चाहिए जो भी है वो सब बाद में देख लेना कि आपको सारी क्लासेस एक दिन पे चाहिए या जो भी, आपको चेंज एंड ड्रॉप करने का ऑप्शन आपको पूरा डेढ़ महीना देती है यूनिवर्सिटी चेंज एंड ड्रॉप करने के लिए। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्रोफेसर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, चाहे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कलोड लेना पड़े। अब मेरी इस बार 3 दिन क्लासेज हैं यूनिवर्सिटी में, लास्ट सेमेस्टर आई वॉज लकी कि मेरे को एक ही दिन में सारी क्लासेज मेरे को मिल गई थी तो सॉर्टेड था। इसमें मैंने पूरी MBA जर्नी में प्रोफेसर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, इसलिए मेरी MBA जर्नी अच्छी निकल गई। और अगर ये आपको यूज़फुल लगी हो, ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स जो आपको MBA जर्नी आपकी ईजी बना देगी, तो उसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। सोच के देखो गाइज, यू हैव 1 एंड हाफ मंथ आपके पास है, तो आप कितना कुछ चेंज कर सकते हो। मैंने कितना ड्रॉप करके कितना चेंज कर करके अपना स्केड्यूल अपने अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। मैं आपका रियल लाइफ एग्जांपल हूँ कि मेरे को पूरे MBA में इन्होंने 11 बजे के स्लॉट दिए और इस टाइम तक आते आते ना सारे प्रोफेसर चले जाते सारे, जिन आप खुद सोच के देखो, जिन बच्चों का सुबह 6 बजे ओपन हुआ है वो तो भाई फटाफट से ले लेंगे, अच्छे प्रोफेसर्स ले लेंगे, और तुम्हारे तक जो 10, 11, 12 बजे तक आते थे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए थोड़ा अनफेयर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके मैंने उनका दिमाग ख़राब कर दिया था, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह डरी हुई थी। लेकिन वो हर बार मुझे एक ही बात बोलते थे कि नेक्स्ट फ्राइडे ट्राई करना। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपको ये सब हसल में ना पड़ना पड़े, इसीलिए ईजी करो, चिल करो, हो जाएगा। बस प्रोफेसर्स ढंग के चूज़ करना, ताकि तुम्हारा वर्कलोड भी कम रहे, असाइनमेंट्स भी कम रहे और सब कुछ। तो गाइज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं। ऑल्सो एक चीज़ है, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी इनवैलिड मत पूछना कि जिसका मैं जवाब ही ना दे पाऊँ, या ऐवी क्वेश्चन होंगे मैं उसका रिप्लाई नहीं करूँगी टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस हैं, जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट्स में मेंशन करो अभी से लेके, और मैं जितने भी पुरानी वीडियोस पे मेरे कमेंट्स आए हैं मैं उनका वीडियो के थ्रू रिप्लाई करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपका अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो में कमेंट कर दो, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी। वेग क्वेश्चंस मत पूछना कि भाई UCW के डेमोग्राफी निक बताओ कितनी है, भाई मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है। तो थोड़े इंटेलिजेंट वाले और थोड़े ढंग के कंसर्निंग क्वेश्चंस पूछना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू गाइज। तो
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कमेंट करो इस वीडियो में और मिलते हैं जल्दी ही। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी एंड आई होप क्या मुझे पता है काम आएगी। इसी बात लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।